राज परिवार दरभंगा जिला। आपको बता दें कि दरभंगा के राज परिवार के राजकुमार सुभेश्वर सिंह की जयंती 20 फरवरी को मनाई जा रही है। इसी उपलक्ष्य में राजकुमार सुभेश्वर सिंह मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता 2020 आयोजित होगी। प्रतियोगिता 17 फरवरी से 20 फरवरी तक नेहरू स्टेडियम लहरियासराय में आयोजित होगी। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन 17 फरवरी और फाइनल मैच 20 फरवरी को तय है। इस प्रतियोगिता में पटना, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, भागलपुर और समस्तीपुर की टीम इस प्रतियोगिता में शामिल होंगे। आइए विशेष कवरेज देखते हैं और खुद यहाँ पर जो प्रेस वार्ता हो रहा है इसमें जानते हैं कि आखिरकार ये टूर्नामेंट कैसे होगा और कब से होगा। विशेष कवरेज देखिए, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। राजकुमार सुभेश्वर सिंह का योगदान खेल के जगत में रहा है। शिक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य समेत विभिन्न क्षेत्रों में काफी योगदान रहा है। वह खुद क्रिकेट, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस समेत खेलों के बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं। राजकुमार सुभेश्वर सिंह के जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग एक क्रिकेट टूर्नामेंट कर रहे हैं जो 17 से 20 तक का फरवरी तक का होगा कार्यक्रम, और जिसमें ये इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट होगा जिसमें 8 डिस्ट्रिक्ट भाग ले रहा है और ये नेहरू स्टेडियम में होगा। इसकी तैयारी पूरी चल रही है, एक कमेटी हम लोगों ने बना दिया है जो देख रेख कर रही है। और जैसे पिच के लिए मिट्टी पटना से आ गया है, और क्यूरेटर जो है टर्फ का क्यूरेटर वो भागलपुर से मंगाया गया है, और इसमें रणजी प्लेयर्स भी भाग लेंगे। और इसके बाद जैसे माय फादर वाज अ बिग स्पोर्ट्स लवर, तो उन्होंने ही यूज्ड टू पैट्रनेज स्पोर्ट्स। इन्होंने बहुत खिलाड़ियों को जॉब भी दिया, फिनेंशली हेल्प भी दिया, और बहुत बड़े खुद भी स्पोर्ट्स खेलते थे। ही केम फ्रॉम मेयो और उन्होंने ही एक्चुअली क्रिकेट का यहाँ पे स्टार्ट किया, जहाँ किट विट भी नहीं होती थी। तो ही टू इम्पोर्ट फ्रॉम कैलकटा एंड ही वॉज अ बिग स्पोर्ट्स लवर। तो हम चाहते हैं तो उनको ट्रिब्यूट के लिए एक उनकी जन्मतिथि में एक शुरुआत है, और ये फिर आगे चलता रहेगा। और मेरे पाइपलाइन में ये भी है, जैसे हम लोग का दरभंगा में बहुत ही गौरवशाली स्पोर्ट्स का कल्चर रहा, जैसे माय ग्रैंडफादर राजा बहादुर विश्वेश्वर सिंह, तो वो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के एसोसिएट फाउंडर भी थे। और फिर पोलो में तो सब जानते हैं जयपुर के साथ दरभंगा का नाम था, और देश विदेश से खिलाड़ी यहाँ आते थे। और फुटबॉल में जैसे मोहन बगान, मोहम्मद स्पोर्टिन यूज़ टू कम हेयर। तो मैं चाहता हूँ वो सब फिर से स्टार्ट हो, और मिथिला में मैं बिहार का ही नाम होना चाहिए। इफ़ यू सी गो टू झारखंड, कितना अच्छा स्टेडियम बन गया है वहाँ पे। और यहाँ बहुत पोटेंशियल है, बट बच्चों को देख रहे हैं खेलने के लिए नहीं है, अपना ग्राउंड है। सो हम चाहते हैं जो रिवाइव हो, स्पोर्ट्स कल्चर रिवाइव हो, और हम इसीलिए मेरे दिल में था जो कुछ स्पोर्ट्स के लिए करना चाहिए। अतारुकुल जी आए, अभी वो रणजी के कोच भी हैं, और उन्होंने बोला जो हमें कोच और प्रोफेशनली सब इसमें 8 टीम है। पटना है, भागलपुर है, मोतिहारी है, मुजफ्फरपुर है, मधुबनी, समस्तीपुर। जी जी सर, इस खेल में कहा जाता है कि पैसे की काफ़ी आवश्यकता पड़ती है। हाँ जी, हाँ जी। तो हम लोग का एक ट्रस्ट है, तो वो कर रहा है सब। जी, अगर लोग इसमें, अगर यहाँ के जो प्रतिभागी हैं आपसे संपर्क करना चाहें, वो अपना जीवन इसमें संवार सके, इसके लिए आप क्या कहेंगे? एकदम आई एम बीइंग ए स्पोर्ट्समैन, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं भी अभी जैसे बच्चे आते हैं तो मैंने खुद ही बोला जो भैया फुटबॉल वो वॉलीबॉल का होना चाहिए, तो मैंने यहाँ लगा दिया। रात को हम लोग क्रिकेट भी खेलते हैं, तो एक इन्वायरमेंट होना चाहिए स्पोर्ट्स का जो पहले था, और वही मैं चाहता हूँ रिवाइव हो। दरभंगा का राज मैदान, जहाँ जिसको ये गौरव मिला था कि देश विदेश की टीमें आती थीं, उसकी स्थिति ख़राब है, और स्टेडियम भी एक बन गया है नगेंद्र झा स्टेडियम, वो भी बहुत बेहतर स्थिति में नहीं है, विश्वविद्यालय ने नहीं रखा है। जी, जी, तो क्या कोई योजना है कि आप लोग भी उस पर ध्यान देंगे? हाँ जरूर देंगे, क्यों नहीं देंगे, हम देखते हैं क्या डीड है उसमें, देखते हैं क्या हम लोग क्या कर सकते हैं। सर, आपके आवास के बगल में एक ग्राउंड है जहाँ आपके पिताजी सर क्रिकेट खेला करते थे, तो सर क्या उस ग्राउंड को बनाएंगे कि उसमें यहाँ के लोग खेल सकें? एकदम उसको हम उसको ठीक कराएंगे, पानी हटा के अच्छा ग्राउंड बनाएंगे। हम तो चाहते जैसे दरभंगा पहले था, जैसे बड़े बड़े मतलब देश के विदेश के भी पोलो प्लेयर्स आते थे, यूज्ड टू कम एंड प्ले। मैं चाहता हूँ एक हब दरभंगा को उस इंटरनेशनल बनाया जाए, और मेरा एक है पाइपलाइन में, मतलब अभी एक आया है जो जैसे शूटिंग रेंज।